प्रेमियों, काली अभंगी का नौकर नाम बदल दिया गया, नाम रख लिया गया हरिया, और मदनावत यानी कि रानी तारा अपने बेटे की चिता बना के तैयार कर रही है। एक तरफ लकड़ी, कुछ लकड़ी इकट्ठी की, बेटे को बीच में रख लिया है और एक तरफ फूस लेकर के चिता बनाई जा रही है, अग्नि तैयार कर रही है। जैसे ही धुआं उठा, हरिश्चंद्र को पता चला कि ये तो बगैर कर दिए कोई मुर्दा जला रहा है, तो अपनी पत्नी को पहचान तक नहीं पाए। जिन्हों उस चिता को जलने से पहले ही अपने ही रोहतास की उस चिता को ठोकर मार दी, अपनी रानी तारा के बाल पकड़ लेता है और दोनों के कैसे सवाल जवाब होते हैं, पहले ही बोल पे अपने पति को पहचान जाती है। सुनिए, अरे चल के देखना चाहिए, इतनी रात्रि के समय में कोई मुर्दा जला रहा है और नियमों के विरुद्ध जला रहा है। अगर इसने बगैर कर दिए मुर्दा जला दिया तो मेरी जो स्वामी की आज्ञा है उसका उल्लंघन हो जाएगा, चल के देखना चाहिए। हैं? ये तो कोई बालक है, और जो इसे मुखाग्नि देने के लिए आई है ये कोई औरत है? ए दुखिया, हाय लाल, तुम कौन हो? देवी, क्या तुम विधवा हो? क्या तुम्हारा पति नहीं है? और अगर है तो वो निर्दयी इस बच्चे को स्वयं क्यों नहीं लेकर के आया? और दूसरी बात ये है कि इस समय मध्यरात्रि से भी कहीं ज्यादा समय हो रहा है। मध्यरात्रि के समय तो मुर्दे को जलाना वैसे भी निषेध है, आप इस समय इस मुर्दे को क्यों जला रहना चाहती हो? और तीसरी बात यह है, मेरी दो बातों का जवाब नहीं दिया, मुझे कोई पछतावा नहीं है, परंतु आपने इस शमशान भूमि के नियमों का उल्लंघन किया है। यहां बगैर कर और कफन दिए तूने किसकी आज्ञा से ये चिता बनाई थी और किसकी आज्ञा से इसे जलाने का प्रयत्न कर रही हो? चुप रहने से काम नहीं चलेगा, औरत मेरी बात का जवाब दे। आप पूछते हो कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, क्या मेरा पति इस दुनिया में नहीं है? हाँ। मेरा पति भी है और मेरा बेटा भी था, लेकिन आज मेरा बेटा अपनी इस दुखियारी माँ को छोड़ के, अरे मैं बड़ी दुखिया हूँ, अभागन हूँ। आप कहते हो कि शमशान भूमि के कुछ नियम, कुछ कानून कायदे भी हैं, मुझे नहीं पता था। तो फिर क्यों चली आई तू यहाँ? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी शमशान भूमि के कुछ नियम और कुछ कानून कायदे भी होते। तो फिर क्या पता है तुझे? मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि आज मुझ दुखियारे का इकलौता लाल मुझे छोड़ के चला गया, अपनी माँ को छोड़कर चला गया। ये दुनिया बेरंगी हो गई मेरे लिए, अब मैं भी जीना नहीं चाहती। लेकिन औरत, तुझे इतना अधीर होने की जरूरत नहीं है। इस संसार में आना जाना एक रीति रिवाज है, तुम्हें पहले कर और कफन देना चाहिए, उसके बाद ही मैं इस बच्चे का अंतिम संस्कार करने दूंगा। कर और कफन? हाँ। नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप अपनी आंखों से देख रहे हो, एकलौते पुत्र की लाश को कफन में नहीं बल्कि केले के पत्तों में लपेट रखा है, फिर मैं आपको सवा रुपये और कफन कहां से लाऊं? मुझे तेरी इन बातों से कोई लेना देना या मतलब नहीं है,
मैं कोई तुम्हारा सगा संबंधी नहीं हूं जो तेरी बातों को सुनूंगा। सीधी सी एक बात सुन ले, या तो कर और कफन दे वरना चली जाए यहां से। कैसे चली जाऊं और कहां चली जाऊं महाराज? आपने मुझे नहीं पहचाना लेकिन मैं आपको भली भांति पहचान गई हूं। मैं तेरे को क्या जानूं? आंख खोल के देखिए, आपके सामने ये जो औरत बैठी हुई है कोई गैर नहीं, आपकी अपनी पत्नी तारा। और ये जो शमशान भूमि में लाश पड़ी हुई है, हाँ, ये भी कोई गैर नहीं, तो आपका एक लौता पुत्र रोता। नहीं 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 नहीं, यही सच्चाई है। तुमने कहीं से मेरी पत्नी का और मेरे बच्चे का नाम जान लिया है, और वो नाम जान के तू मुझे स्वामी द्रोही बनाना चाहती है। औरत, दुनिया में झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है, और वो कलंक तूने अपने सिर पे लगा लिया है। कह दे अभी जो तूने कहा था ये सब झूठ है, ये सच नहीं है। कह दे ये झूठ है। काश ये झूठ होता लेकिन ये सच है महाराज, ये सच है। पहले आप मुझे छोड़कर चले गए और आज मेरा बेटा भी मुझे छोड़कर चला गया महाराज। ए विधाता, मेरा बेटा, ए मेरी तकदीर लिखने वाला लेखक, क्या कोई सुख का सांस बाकी नहीं रहा मेरी जिंदगी में? कहीं तो ये कलम सीधी चलाई होती, कहीं तो मेरी तकदीर शुद्ध बनाई होती, क्या इस पृथ्वी पर भी पैर टेकने का अधिकार खो दिया मैंने? अरे मैंने तेरा कौन सा गुनाह किया है? अगर विधाता और परमात्मा नाम की कोई शक्ति है तो वो मुझे जवाब दे, और अगर तेरी यही इच्छा है, यही तेरी तमन्ना है, तो ऊपर वाले तुझे मुबारक हो। तारा, आज मैं अपने पूर्वजों के द्वारा जो संपत्ति मुझे दी गई थी, बेल वंश चलाने के लिए जो चिराग था, उस चिराग को अपने हाथों से समाप्त कर दूं। ला मुझे सवा रुपया और कफन दे। आप बार बार सवा रुपया और कफन मांग रहे हो लेकिन मुझ दुखिया के पास में एक फोटी कोड़ी आपको देने के लिए नहीं है। बस रोना धोना बंद कर, अगर कर और खप्पन नहीं है तो ले जा इस लाश को और चली जा तू भी यहां से। मेरी आत्मा को ज्यादा कलेश में मत डालो। हे महाराज, नहीं, इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए। सुन तारा, वो चोट लगी है जिसे मैं सह नहीं सकता। तू तो जानती है कि मैंने जीवन पर्यंत आज तक कभी झूठ नहीं बोला है और ना झूठ बोलूंगा, इसलिए मेरे पास तेरे कहने के लिए सिर्फ दो बातें हैं। या तो सवा रुपया और कफन दे दे, वरना तो मैं तुझे और तेरे इस मरे हुए बेटे को लात मार के बाहर फेंक दूंगा। नहीं महाराज, नहीं, चली जाए यहां से। मत दिखा मुझे ये अपनी सूरत। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं, जोर क्यों जमा पे समझ क्या सारी, घाट पे समझ क्या सारी, और कहानी तेरी में, कहानी तेरी में, जोर क्यों जमा पे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में,
मिसरानी सत्संगी हूँ, मिसरानी सत्संगी हूँ। आज वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धांगी हूँ। मैं तो ना राजा ना रजा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी हूँ। ना राजा ना रजा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी हूँ। समझ रही पिया पे, समझ क्या सारी और कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। जोर क्यों जमा पे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी नासूर। दिल जिगर और कलेजे में पड़े हैं नासूर, आंसू बन के ये मेरा रक्त बहा जाता है। तू तो जानती है कि जैसे बगैर जल के दुनिया में मछली जिंदा नहीं रह सकती सजनों, और बगैर प्राण के ये देह नहीं रह सकती। मैं बगैर रोहतास के और बगैर तारा के इस दुनिया में जीवित नहीं रह सकता, परंतु मैं वो चट्टान का पत्थर बन गया हूं जो नदी के गहरे बेग में डूब तो जाता है पर बहता नहीं है। तारा, इस बेटे की चोट ने मुझे इतना सताया है, इतना सताया है। मैंने अपने पुत्र को तुझे कभी बतौर अमानत संभाला था और ये सोच के दिया था कि इसे गुरुकुल की पढ़ाई पढ़ाएगी, चारों वेदों का विद्वान बनाएगी, और जब ये बेटा विद्वान होगा तो हमें ऋण से उऋण कर देगा। परंतु डायन डंकनी और बेटे खानी कुल घातनी पिचासनी आज अगर बेटे को लेकर के आई है तो मृत अवस्था में इन सारे हालातों का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो तू है। कहां पहुंचा दिया मुझे, बर्बाद कर दिया मुझे, इसलिए मेरी नजरों के सामने से दफा हो जा। तारा, इस समय मैं एक इंसान नहीं हूँ, हैवान हूँ, मैं निशाचर हूँ और अपने आपे में नहीं हूँ। तेरा कोई सम्मान नहीं रहेगा और मेरी ये खड़क किसकी सीने पर चल जाएगी इस बात का ध्यान नहीं रहेगा। चाहे चली जाए यहाँ से, चला दीजिए आप अपनी इस खड़क को मेरी गर्दन पे, चला दीजिए प्राणनाथ। आपके हाथों से मरूंगी,
इन सारे हालातों की जिम्मेदारी तेरी बनती है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया महाराज। अगर आज हम इस राह पे खड़े हैं तो सिर्फ आपके कारण। मेरे कारण? आप ही ने बनाई है लत मेरी, आप ही हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। बागों बीच फूक देती ये नाला नाथ पास तने, पिया लात चित्रा में मत मारे यो बाड़िया धरो दास तने, और पिना दिए महसूल घाट का फूकन दियू नालास तने, पिना दिए सूल घाट का फूकन दियू से पिया। नफरत क्यों भरी से पिया, वाणी तेरी में, वाणी तेरी में, मेरे घाट पे समझ क्या सारी और कहानी तेरी क्या होता है। जब एक औरत पहली बार मां बनती है तो उस ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान होता है उस औरत के लिए मां बनना। लेकिन जिस औरत की आंखों के सामने उसका एक लौता लाल मर जाए वो इस दुनिया की सबसे बदनसीब मां होती है। आज उन बदनसीब माओ में से मैं भी एक माँ हूँ। मेरा इकलौता लाल मुझे छोड़ के चला गया, मैं बांज की बांज रह गई, मेरी गोदी सुनी हो गई पिया जी। फिर भी आप बार बार मुझसे सवर रुपये और कपन मांग रहे हो, जबकि आप अपनी आंखों से देख रहे हो कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं अभागन आपको सवा रुपये और कपड़े कहाँ से लाके दूँ, कहाँ से लाके दूँ तारा? क्योंकि संभवतः मेरा ये आखिरी समय बोल रहा है। इतनी विपदा सहने के बाद मैं जीऊं तो किसके लिए, परंतु जब तक इस बात का फैसला नहीं हो सकता तब तक मैं जीऊंगा। अरे दुनिया के लोगों, इस आशय के साथ जीऊंगा कि दुनिया में प्रकृति के नियम बदल सकते हैं,
प्रकृति के नियम टूट सकते हैं, बदल सकते हैं। किसी बड़े से बड़े महात्मा के द्वारा दिया गया वरदान खाली जा सकता है। ऐ दुनिया वालों, किसी बड़े से बड़े शिकारी की कमान से निकला हुआ तीर खाली जा सकता है। तारा, प्रलय होने से पहले महाप्रलय हो सकती है। सुनो दुनिया के लोगों, जितनी जीव आत्मा इस धरती पे है वो भी सुने, जितनी जीव आत्मा इस धरती से चली गई वो भी सुने, और जितनी जीव आत्मा इस धरती पे आने वाली है वो भी सुने। मैं अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र अपने मृतक बेटे की सौगंध खाकर ये और प्रतिज्ञा करता हूँ कि वायु अपना वेग छोड़ सकती है, अग्नि अपना तेज छोड़ सकती है, जल अपनी शीतलता त्याग सकता है, और ये वृक्ष अपनी छाया छोड़ सकते हैं, पर जीते जी हरिश्चंद अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, चाहे परिणाम कुछ भी क्यों ना हो। वाह, अब बोल तू क्या कहना चाहते है? तारा बोल अखीर मेरा सारा रुपयार कपन दे, सुन तारा बोल अखीर मेरा सारा रुपये में कल किया कंठी और यो ले जा चीर मेरा। इस सच्चा काले को, इस सच्चा काले है को दे दूंगा क्या इस पैसा जसीर मेरा, इस पैसा जसीर मेरा। कैसी जलाऊं खुलकी, कैसी जलाऊं खुलकी, निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं, हर घाट पे समझ गया सारी पास सवा रुपया और कफन नहीं है, मेरे सुहाग की ये आखरी निशानी मेरे गले की कंठी, सवा रुपये में इस गले की कंठी को ले जाइए और कफन के बदले मेरी साड़ी का ये आधा चीर ले जाइए और जाकर अपने मालिक को दे दीजिए महाराज। इसके सिवा मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर उस परमपिता परमेश्वर की यही इच्छा है ना, तो तथास्तु, मैं यह भी कर लूंगा। अब पता क्या कहना चाहती है? बना के क्यों बिगाड़ा रे, वो कस के मारी रे बेटा लात हो, वो रोहित प्यारे
उसी ही ढाल रही है तू, जिस ढाला रखे परमेश्वर उसी ही ढाल रही है तू। करण हर दम शीश झुकई है तू, नई बस्ती गुरु धाम जय करण हर दम शीश झुकई है तू। गुरु शरण चाहो सेवा, गुरु शरण चाहो सेवा, ठाणी तेरी मैं, ठाणी तेरी मैं, घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं, और क्यों जमावे रे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी तेरी मैं। जोरदार ताली, जोरदार ताली।